तो जैसा कि आप देखते हैं, जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी, पहली बॉल हवा से बातें करती हुई गई, मानस दबुशेन को पता भी नहीं चला, बॉल उनके टांगों के बीच से निकल के एज लेते हुए सीधा कीपर ऋषभ पंत के पास और ये आउट। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट गिरता हुआ, बुरी तरह से ट्रबल में अब ऑस्ट्रेलिया, उनको समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। 9 रन पे 2 विकेट, डेविड वार्नर पहले ही हल्के में जा चुके हैं जिनका विकेट भी जसप्रीत बुमराह ने लिया था। अगले बैट्समैन आते हुए स्टीवन स्मिथ, मैथ्यू वेड का विकेट गिरते हुए 18 गेंदे खेल के 6 रन ही बनाने वाले मैथ्यू वेड, इनको चक्रव्यूह बना के इस पारी में विकेट को लिया है। लेग साइड पे बॉल डाली और ये सीधा कैच हाथ में थमा बैठे और निराशाजनक पारी का वहीं अंत हुआ। अगला विकेट ट्रेविस हेड का, ट्रेविस हेड को भी उसी तरह चक्रव्यूह बना के विकेट लिया और वो उन्होंने फिर से वही गलती की और सीधा फील्डर के हाथ में अपना कैच दे बैठे। इस तरह से ऑस्ट्रेलियन पारी का ये चौथा विकेट गिरता हुआ और ये अगला विकेट भी गया जिसको भुवनेश्वर और बुमराह की जोड़ी ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को तोड़ दिया है। ये स्टीवन स्मिथ का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, बुमराह अपने टिपिकल एक्शन में 4 कदम के रन अप से आते हुए स्टीवन स्मिथ उनको स्वीप करने की कोशिश किया, टॉप एज लगा और सीधा कैच फील्डर के हाथ में। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही मुश्किल में, 5 विकेट 35 रन पे हो चुके हैं और ये देखिए फिर से हार्दिक पांड्या टैटू वाले आदमी के साथ सेलिब्रेट करते हुए। टिम पेन का विकेट लिया है, ये रियल लाइफ में भी ज़्यादा नहीं खेलते, किधर भी ज़्यादा नहीं खेल पाए, हालांकि पहले पारी में इन्होंने शतकीय पारी खेली थी लेकिन इस पारी में भी चक्रव्यूह का शिकार होते हुए लेग साइड में कैच दे बैठे। शानदार स्पिन बॉलिंग का प्रदर्शन जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार के द्वारा। अगला विकेट भी जाता हुआ इंडियन फील्डर सेलिब्रेट करते हुए और बैट्समैन पवेलियन की राह पकड़ते हुए पैट कमिंस डक पे गए हैं। उसी ओवर में बुमराह ने उन्हें भी खा गए, उनको भी इसी तरह चक्रव्यूह की गेंद डाली और वो रह नहीं पाए और स्वीप शॉट सीधा फील्डर के हाथों में दे बैठे। इन लोगों को समझना चाहिए कि ये वीडियो गेम है, यहाँ पे ऐसा चलता है, इनको पकड़ लिया जाता है इनकी कमजोरी। अगला विकेट भी जाता हुआ, अभी पुछल्ले बल्लेबाज थे नेथन लायन, इनको पता था कि अच्छा ये मिचेल स्टार्क थे, ये भी शून्य पे जाते हुए, ये भी चक्रव्यूह रूपी गेंद का शिकार होते हुए सीधा लेग साइड पे स्विंग बॉलिंग और ये सीधा हाथ में कैच थमा बैठे। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को तोड़ के रख दिया है और अभी साथ साथ उन्होंने ये नेथन लायन का भी विकेट ले लिया और शेल्डन कॉटरेल जैसा पता नहीं क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेथन लायन पुछल्ले बल्लेबाज थे, इनको आराम से सीधा यॉर्कर डाली, इनके पैर के बीच घुस गई और इनको हवा भी नहीं लगी कि इनके साथ क्या हुआ। तो ये नेथन लायन का विकेट लेते हुए, जैसे कि अभी आप देखेंगे ये टावर तोड़ तोड़ते हुए आ रहे हैं जसप्रीत बुमराह और ये अपने टिपिकल एक्शन में ये बॉल जाती हुई जब तक पैर समेट के पैर के बीच से बॉल निकल के विकेट भी खेल दी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का ये 9वां विकेट गिर गया। अब क्योंकि ये वीडियो गेम है तो यहाँ पे 10वां विकेट गिरा तो उसका हाईलाइट ही नहीं दिखाया। खैर, इंडिया ने ये मैच 863 रनों से जीत लिया है और जैसा कि भी आप देखेंगे स्कोर कार्ड में ऑस्ट्रेलिया की टीम 64 रन पे धराशायी हो गई। पहले पारी में इंडिया 173, ऑस्ट्रेलिया 238, दूसरे पारी में इंडिया 992 और इस तरह 863 रनों से ऑस्ट्रेलिया की करारी हार होते हुए टीम इंडिया के हाथ। मैन ऑफ द मैच जैसा सोचा था 500 रन बनाने वाले विराट कोहली को, जो आके बोलेंगे कुछ कुछ पता नहीं क्या बोल रहे हैं और ये रहा मैच रिजल्ट।